स्टैन स्टील का बेसिकली ये देखिए आपको क्या, ये लैडर है। लैडर लैडर में क्या होता है, आपको पिघला हुआ जो होता है आयरन रखा जाता है, उसके बाद उसे जो है उसके अंदर मशीन के अंदर डाल के जो भी साचा में देना होता है, जैसे जो भी इसका मोल्ड होता है, जिस टाइप की भी डिज़ाइन बनानी होती है उस टाइप का डिज़ाइन बनाते हैं। तो एक बेसिक तरीका की इंडस्ट्री में किस टाइप का मोल्ड होता है, इस चीज़ को मैंने दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए रॉ मटेरियल क्या होता है प्रोडक्शन में, जब भी हम ये चीज़ बनाते हैं तो रॉयर क्या क्या लेते हैं, देखिए आयरन की ओर तो लेते हैं, देखिए यहाँ पे आयरन की ओर, आयरन की ओर देखिए ऐसा तो है नहीं कि लोहा एकदम आपको फ्री में मतलब जमीन में से निकाला बस और लोहा मिल गया और उसे यूज़ कर लिया, नहीं, लोहा भी पत्थरों के अंदर ओर के अंदर जैसे कि काफ़ी सारी ओर होती है, देखिए नीला नीला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सब क्या, ये आयरन है और बाकी इसमें मेटल भी होगा, उसमें कुछ मिट्टी भी होगी, तो सब चीज़ मिलकर ये ओर बनती है। आपको ओर भी पता होगी काफ़ी सारी होती है, जैसे हेमेटाइट हो गई, मैग्नेटाइट हो गई, सीडेराइट हो गई, ये सब आयरन की ओर है क्योंकि मतलब जिसमें से आयरन को हम निकालते हैं। बाकी देखिए इसमें लाइमस्टोन भी होता है, ठीक है, लाइमस्टोन मतलब हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर, देखिए चूना टाइप का पत्थर होता है ये लाइमस्टोन वगैरह भी। और ये तीसरा होता है कोक, कोक के बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, कोक बनाया कैसे जाता है, जब कोक बनाया जाता है जब मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि जब कोयले को, या कह सकते हैं कोयले को जब 48 डिग्री मतलब लगातार गर्म करते रहते हैं और 48 आवर तक उसको गर्म करते रहते हैं बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, कोक मिलता है। ठीक है, 48 आवर बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन लेस, ठीक है, तो उससे बनता है कोक। तो देखिए आयरन की ओर आपको पता ही होगी, आयरन की ओर जो होती है अर्थ क्रस्ट मतलब जो अर्थ की ऊपर वाली परत होती है, अबंडेंट मेक अप टू मतलब आयरन की जो मतलब मेन होती है अर्थ की क्रस्ट पर पाई जाती है। ठीक है, इट नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, मतलब ये फ्री स्टेट मैंने बताया ना कि आयरन जो होता है वो कभी भी आपका फ्री में नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको पहले मिनरल मेटल निकालनी पड़ेगी, पत्थर तोड़ना पड़ेगा, उसको चूरा निकालना होगा, फिर आयरन निकलेगा उसमें से। और देखिए बहुत जो पाया जाता है वो रॉक्स और ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब पत्थरों के ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है Al2O3, इसी तरीके से पत्थरों के भी कई सारे ऑक्साइड होते हैं जिनके अंदर आपको आयरन की ओर मिलती है। और देखिए आफ्टर माइनिंग, माइनिंग के बाद क्या करता है ओर को, मतलब माइनिंग जब हमने माइनिंग कर ली उसकी, तो ओर को हम क्या करना होगा, क्रश करना होगा हथौड़े से या जिससे मशीनों से, बड़े बड़े बुलडोजर से हम इसे क्रश करके उनको चूरा बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, बाइंडेड बॉल्स और ब्रिकेट यूजिंग बाइंडर और वाटर का यूज़ करते हैं। द पैलेट ऑफ द टिपिकली 65% आयरन अबाउट 1 इंच इन डायमीटर, मतलब देखिए 60% जो आयरन होता है द पैलेट टिपिकली तो उसमें अबाउट 1 इंच इन डायमीटर, 1 इंच होता है डायमीटर में, ठीक है, इतना इतना का कारण होता है। ये तो बेसिक तरीके। अब देखिए कोक, कोक को मैंने बता दिया, कोक को कितना लीजिए कि कोक इज फ्रॉम द हीटिंग कोल, जब कोयले को आप 1150 डिग्री सेल्सियस तक और बिना ऑक्सीजन में, याद रखिए, अब याद रखिए यहाँ पर कोक बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना वो जल जाएगा, तो उससे मैं बना था कोक। अब देखिए यू नीड मोर देन आयरन, वाई कोक, मतलब कोक का क्यों यूज़ करते हैं आयरन के, मतलब कोक क्यों मिलाते हैं आयरन के साथ, इसका मेन कारण क्या है, देखिए कोक क्या करता है, ये ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जिससे क्या होता है आयरन मेल्टिंग में हमें आसानी रहती है, और आयरन जो हम आयरन के साथ कोक और लाइमस्टोन जो तीनों चीज़ें मिला के भट्टी के अंदर डालते हैं, तो उससे क्या होता है काफ़ी सारी जो रिएक्शन होती है उसके अंदर, उससे आयरन को अलग करना थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी जो स्लैग बनता है भट्टी के अंदर उसे भी निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजिली हो जाता है। और देखिए इन ऑर्डर टू केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस करती है वहाँ पे, काफ़ी सारी जो आयरन के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन से आयरन को सेपरेट करना इनके थ्रू आसान हो जाता है। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद रिड्यूस द आयरन ऑक्साइड, अगर मतलब प्रोडक्शन करते हैं आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो क्या कम कर देती है, आयरन ऑक्साइड को आयरन से क्या कर देती है, कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो देखिए लाइमस्टोन ये आपको दिख रहा है वो चूना पत्थर होता है, ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके फॉस्फोरस फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है, ये आपका लाइमस्टोन होता है, इट इज यूज टू रिमूव इम्प्योरिटी। फ्रेंड्स आपको दिख गया होगा कि जो लाइमस्टोन होता है क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से कहा जाता है, इसे मिलाया जाता है आपको पता होगा आयरन के साथ, ठीक है, व्हेन द मेटल इज मेल्टेड, जब मेटल मेल्टेड होती है तो लाइमस्टोन कॉम्बाइन्स विद इम्प्योरिटीज, लाइमस्टोन क्या करता है जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है उसे कंबाइन कर लेता है एंड फ्लोट टू द टॉप। लाइमस्टोन से क्या होता है, चूना पत्थर से क्या होता है, जो आयरन के अंदर गंदगी होती है उससे ऊपर आ जाती है, मतलब उसके साथ मेल्ट होकर ऊपर आ जाती है, क्योंकि लाइमस्टोन का होता है आयरन भारी होता है, आयरन नीचे चला जाता है। तो देखिए फ्लोट टू द मतलब फ्लोट मतलब क्या होता है, एक तरीके से तैरने लगती है, द स्लैग कैन बी रिमूव प्यूरिफाइंग द आयरन, और जो स्लैग होता है वो आराम से रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए आयरन मेकिंग का एक बेसिक डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आयरन मेकिंग कैसे करके करी जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए तो एक प्रोसेस है। अब देखिए कोकिंग कोल एंड आयरन वन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द मतलब देखिए बताया ना कोल और जो आयरन ओर होती है, ये दो मेन मतलब मटेरियल होते हैं जिसके लिए पिग आयरन बनाने के लिए, पिग आयरन बनाए होती फर्नेस से जाता है ब्लास्ट फर्नेस से, आपको पता होना चाहिए, ब्लास्ट सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाद ब्लास्ट फर्नेस बेसमेंट वगैरह सब कुछ है इस वीडियो में, कुछ नहीं बचेगा आपका। देखिए विच विल फर्दर द डिफाइन टू स्टील इन द स्टील वर्क, मतलब जो क्या करता है, जो फर्दर डिफाइन करता है स्टील को स्टील वर्क में, ठीक है, इन द कोक ओवन प्लांट, अगर कोक ओवन प्लांट होता है कोई, कोल इज प्रोसेस टू बी कोक, मतलब कोल क्या होता है कोक के रूप में बनाया जाता है, प्रोसेस कर प्रोसेसिंग करी जाती है
और कोक ही एसेंशियली इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। और कोक हमेशा जो होती है ब्लास्ट फर्नेस के लोअर पार्ट में यूज करा जाता है। क्यों यूज करा जाता है? देखिए, टू मेंटेन द गैस परमेबिलिटी, मतलब जो गैस होती है उसे निकालने में आसानी देने के लिए जो होता है कोक जो होता है हमेशा जो होता है बॉटम बेंच पे हमेशा यूज करा जाता है। और देखिए, ड्यू टू द हाई वेट, मतलब हाई वेट के कारण, मतलब वेट अगर ज्यादा होता है, लोड टू बर्डन कॉलम, सिंपल कॉलम वुड बी ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्टिकल। तो क्या होता है, जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं क्या, गैस की स्टीम को, जो गैस बाहर निकलने वाली होती है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अरे, एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द कोकिंग प्रोसेस, कोकोविन गैस, एक कोकोविन गैस होती है मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो हाइड्रोजन एस टू और प्लस मीथेन यानी सी एच फोर होता है इसके अंदर आपका कोकोविन गैस के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। और यूजिंग मेनली जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इन इंडियन थर्मल पावर प्लांट। तो ये किस में यूज होती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन थर्मल पावर प्लांट में। और देखिए, मोस्ट ऑफ द आयरन ओर एंड एडिक्टिव आर ट्रेड्स एट द फाइन्स एंड नीड सम प्री ट्रीटमेंट बिफोर बींग प्रोसेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये देखिए, आयरन ओर का क्या कहा जाता है, पहले प्री ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें धोते हैं, उन्हें टुकड़े करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पहले उनके साथ उन्हें करना होता है, फिर हम ब्लास्ट फर्नेस में उन्हें डालते हैं। देखिए, द प्रिपरेशन इज कॉल्ड सिंटरिंग। सिंटरिंग तो आपको पता होगा, सिंटरिंग वाटर मेटलर्जी में भी यूज होती है आपकी। सिंटरिंग का था मटेरियल को हीट करते हैं, मटेरियल को हीट करते रहते हैं सिंटरिंग से, उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, द अप्रोक्स 1300 डिग्री सेल्सियस जो होता है हम टेम्परेचर पर रखते हैं, समाउ ब्रेक टू द पार्टिकल बिटवीन 20 से 25 मीन डायमीटर। तो देखिए, जो पार्टिकल को ब्रेक करते हैं कितने, अप्रोक्स 20 से 25 एमएम मीन डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, ब्रेक करा जाता है, ब्रेकिंग करी जाती है, जिस पार्टिकल का सेंटर, तो उससे सेंटरिंग हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, मतलब रिडक्शन, गैसेज का रिडक्शन हो जाता है सेंटरिंग से। क्या होता है, गैसेज का रिडक्शन होता है, आयरन की जो ओवर के पार्टिकल होते हैं 20 से मान लीजिए 50 के बीच में, तो इनकी सिंटरिंग करती है, गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, इनके अंदर जो गैसेज होती हैं उनका रिडक्शन हो जाता है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी इंक्रीज हो जाती हैं। अब देखिए, द ब्लास्ट फर्नेस, जो आपको पता होगा ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन बनाती है, तो इससे क्या होता है, रिडक्शन करा जाता है आयरन का जो ओर होती है, ये आपको पता होगा हेमेटाइट कहते हैं इसे, Fe2O3 हेमेटाइट टू मेटेलिक आयरन एंड द मेटेलिक आयरन एंड बाय द प्रोडक्ट टेक प्लेस। आपको पता होगा इसमें क्या होता है, जो रिडक्शन करने के बाद आपको मेटेलिक आयरन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बोथ रिडक्शन एंड मेल्टिंग नीड हाई टेम्परेचर, आपको पता होगा ये रिडक्शन होती है और मेल्टिंग दोनों में ही हाई टेम्परेचर, वरना पिघलेगा ही नहीं आपका, वो है ना, वो पिघलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको दोनों हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। और विच इज जनरेटेड बाई कम्बशन ऑफ द कोल यूजिंग हॉट ब्लास्ट, मतलब उसका यूज कैसे करेंगे, हॉट ब्लास्ट के थ्रू कम्बशन करके, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक जनरेट करके करते हैं। ब्लोइंग ट्यूबर ग्रेट अराउंड द फर्नेस, मतलब ब्लोइंग ट्यूबर्स होते हैं जिनके थ्रू कंप्रेस एयर को, हॉट एयर को उसके अंदर एंट्री कराते हैं, वो आपको ब्लास्ट फर्नेस में आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, हॉट मेटल एंड स्लैग आर फर्दर टैप्ड फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट के थ्रू आपको जो कि टैप करी जाती है ऊपर से, बाई ड्रिलिंग इज सॉल्ड अ होल, टैप होल कहा जाता है, विच इज बी क्लोज आफ्टर एक्सपोजिंग वन ऑफ द हाफ आवर्स, हॉट आवर से, मतलब एक घंटे के बाद उसे क्या करते हैं, टैप को बंद कर दिया जाता है भट्टी में डालने के बाद। ये सारी प्रोसेस भट्टी के अंदर की चल रही है, आपको बताता चल रहा हूँ, पहले से भट्टी दिखाऊंगा तो पूरी एकदम एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, द सेपरेशन ऑफ द हॉट मेटल एंड स्लैग, अब बाद में क्या होता है, लास्ट में आपकी भट्टी के अंदर एक तरफ तो स्लैग बन जाता है, एक तरफ आपका मेन आयरन बन जाता है, तो अब दोनों का सेपरेशन करना जरूरी है ना, तो उसे क्या करते हैं, तो स्लैग टेक प्लेस इन द कॉल्ड कूल टनल आउटसाइड द फर्नेस ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण दोनों ही, आप देखिए, वो जो मेटल होती है वो ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है क्योंकि भारी होती है, स्लैग कम वाला होता है, तो उसे दोनों को डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग कर लेते हैं। अब देखिए, व्हाट इज HBI, HBI जब देखिए, HBI होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस, जो भी डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस होती है आपकी भट्टी के अंदर, उससे जो भी प्रोडक्ट बनता है और जिसका टेम्परेचर जो ग्रेटर देन 650 डिग्री सेल्सियस होता है और डेंसिटी जो होती है 5 ग्राम पर सीसी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, HBI। ठीक है, ये प्रोडक्ट मतलब बनता है जो उसके अंदर भट्टी के अंदर। वेट ऑफ द ईच फॉर्म, मतलब देखिए, वेट ईच फॉर्म कितना होता है, 0.7 से 1 kg और 1 to 3, 1 to 1/3 half, मतलब 3.5 के आसपास होता है। और साइज देख लीजिए इसका कितना होता है, HBI का L इतना, ये देखिए इंच के हिसाब से वेट, और ये हो जाएगा आपका जो अभी मतलब लेंथ, वेट और थिकनेस। ठीक है, ये आपका इस हिसाब से साइज दे रखा है आपको, ये आपको साइज देखते हैं जो HBI बनता है उसका साइज होता है। अब देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन, DR मतलब डायरेक्ट रिडक्शन। देखिए, भट्टी के अंदर रिडक्शन तो होता ही अलग होती है उससे, अभी तो मेटल अलग होगी, तो रिडक्शन आयरन ओर टू मेटेलिक आयरन विदाउट मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग होने से पहले इसका अलग होना, कंपाउंड रिमेन्स एन आइडेंटिफाइबल। तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको देखिए ऐसी तरीके से होता है आपका DRI, डायरेक्ट रिडक्शन आयरन ओर, मतलब डायरेक्ट रिडक्शन आपका आयरन ओर करी जाती है यहाँ पे। और इसी के साथ फीड स्टॉक एग्जिट और सिंक फ्रॉम द एंटर्ड पैलेट पैलेट आउट लंप लंप, ठीक है। अगर देखिए, HBI हॉट ब्रिक्यूटेड
आयरन, मतलब ऐसा जो गर्म होता है, आपको पता है जो एचबीटी मैंने आपको बताया कि तरीके की डेंसिटी क्या, लेंथ क्या, वो सब चीज के ऊपर डिस्कस करती है, क्या होता है डायरेक्ट प्रीक्यूटेड आयरन कहलाता है, डेट हैज बीन हॉट, मतलब कितना हॉट गर्म होता है, 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और प्रीक्यूटेड टू हाई डेंसिटी पिलो शेप प्रीक्यूट, ठीक है, पिलो शेप होता है तकिए की तरह, ठीक है, इस तरीके से। तो हॉट मेटल मोल्टन आयरन इज लिक्विड फॉर्म एवर 2500, जो हॉट मेटल होती है मेटल की, वो कितनी होती है 1370 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, गर्म होती है। पिग आयरन क्या होता है, पिग आयरन आपको पता होगा ब्लास्ट फर्नेस से आपको मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेन आयरन होता है, इसी से मतलब सारे आयरन बाकी बनेंगे। और देखिए रेसिडुअल अनडिजायरेबल एलिमेंट सच एज कॉपर, निकल, एल्युमिनियम, क्रोमियम, सल्फर, मोलिब्डेनम और फास्फोरस जो होते हैं, इसके अंदर भी एलिमेंट और भी मिलते हैं आयरन के अंदर। और देखिए ये रॉक मिनरल्स आयरन सच एज सिलिका, मतलब सिलिका मेटल, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब भी मिलते हैं। और देखिए दीज रिमेंस इज ऑक्साइड फॉर्म जो होते हैं, ऑक्साइड देखिए क्या होता है, इससे आयरन की ऑक्साइड से जब कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन मिल जाता है, इस ऑक्साइड से भी आपको आयरन मिल जाता है, और यहाँ इस रिएक्शन से भी आपको आयरन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये तरीके से कुछ प्रोसेस होती है ऑक्साइड फॉर्म में, जिससे आपको आयरन का यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए आयरन और जो डीएलपीएलडी केमिस्ट्री क्या करना होती है, आयरन की क्या क्या होती है, देखिए आयरन और के अंदर 67% ये सब वैल्यू दे रखी है, कितना परसेंट तक आयरन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MgO, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, वैनेडियम, आपका लेड हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, तो ये सबकी परसेंटेज आपको दे रखी है। HBI केमिस्ट्री, टिपिकल HBI के अंदर देख सकते हैं केमिस्ट्री का टोटल आयरन मतलब कितना होता है 90 से, जो मतलब आपका जो जो मेल्टेड आयरन मिट्टी के अंदर बन चुका है ये उसकी तरह की, और जो ओर है ये उसकी तरह की है, जो ओर होती है ना स्टार्टिंग में जो आप यूज करते हैं मिला के सब कुछ उसकी, और ये HBI टिपिकल क्या है, जब आपको ओर से अलग हो जाता है तो वहाँ पे जो HBI प्रोडक्ट बनता है ये उसकी, देखिए उसमें 90% तक आयरन होता है, बाकी एसिड जो होता है फास्फोरस, सल्फर और ये कार्बन वगैरह, तो इसमें सब कुछ बहुत मिनिमम होता ही होता है, पूरा शुद्ध तो मिल ही नहीं सकता, पूरा शुद्ध मिलना इतना आसान नहीं होता। अब देखिए आयरन मेकिंग ब्लास्ट फर्नेस का एक आपको डायग्राम दे रखा है कि आयरन ब्लास्ट फर्नेस हम किस तरीके से बनाते हैं, आपको बताओ सेंटर जो आपका ओर होती है, ठीक है, सेंटरिंग करते हैं ओर की, आपको पता पहले ओर को क्या करते हैं, थोड़ा गर्म करके ही सेंटरिंग करके भेजते हैं ताकि इससे कुछ प्रॉपर्टीज गैसेज वगैरह ओर के अंदर से निकल जाए और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट उसके अंदर आ जाए। उसके बाद उसमें कोक मिलाते हैं और साथ में एक लाइमस्टोन मिलाते हैं, ठीक है, तीनों मिलाने के बाद स्टॉक हाउस में हम इन्हें दे देते हैं। जब स्टॉक हाउस में तीनों चीजें फुल हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कन्वेयर के थ्रू ऊपर चला जाता है, चलते चलते चले जाते हैं और ऊपर से इन्हें क्या करता है, धकेल के नीचे जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप होते हैं कई सारे, पहले 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 200 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से क्या होता है धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर 1200-1300 के आसपास तक आ जाता है, 1500 भी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ से एक जगह से पूरा मतलब डेंसिटी चेंज के अकॉर्डिंग एक जगह से स्लैग निकाल देते हैं जो गंदगी होती है, और दूसरी जगह से हम क्या निकाल लेते हैं, मेन मेटल जो हमें निकालना है। और बाकी इसमें देखिए हॉट, ये देखिए ब्लास्ट स्टोव होते हैं, हॉट ब्लास्ट मतलब ये क्या करते हैं, ये आपको देखिए गर्म हवा भी तो चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं ट्यूबर के थ्रू आपका जो है गर्म हवा यहाँ पर सप्लाई करते हैं, मिला नहीं है यहाँ पर, ये मिला हुआ, ठीक है, इसे सप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है आपका यहाँ पर टेम्परेचर बनाना भी तो जरूरी है, जलाएंगे कैसे इस भट्टी को, तो ये हॉट ब्लास्ट स्टोव्स होते हैं, ये काम करते हैं इस तरीके से। स्क्रबर होते हैं जो कि एयर को साफ भी करते हैं, क्योंकि एयर भी कुछ यहाँ से निकलती है, गैस क्लीनिंग होती है यहाँ से, कौन सी यहाँ से आपको पता है इनमें से गैस भी निकलती है, क्योंकि आप क्योंकि कोल गैस ना आपको बताया था मैंने, इसमें कोल गैस और पीछे बताई थी, सब कुछ गैसेज होती है, काफ़ी सारी गैसेज जैसे सी हो जैसे बाहर निकलती हैं, उसके तो गैस होल्डर होता है, बाकी जो भी मतलब गैसेज होती है बाहर एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं, जो यूजफुल गैसेज होती हैं उनका भी हम यूज़ कर लेते हैं, जो एनरिचमेंट काफ़ी सारी गैसेज होती है, तो ये आपका पूरे मतलब कन्वेंशन एयर को भी हम इसे सप्लाई करते हैं अंदर। तो यही सब है कि किस तरीके से यहाँ से आपका आयरन आया, फिर यहाँ से इसमें से गया, फिर अंदर से पिघला, फिर यहाँ से इन दोनों को अलग अलग कर लिया, और बाकी क्या नाम है इसमें स्टोव के थ्रू आपने अंदर इसमें डाला और ये आपकी गैस यहाँ पे क्लीनिंग हो गई। तो ये तो एक बेसिक डायग्राम है पूरा ब्लास्ट फर्नेस का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा मतलब एक पिग आयरन के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं। पिग आयरन के अंदर देखिए 3 रॉ मटेरियल डंप्ड इनटू अ ब्लास्ट फर्नेस, मैं बता था 3 रॉ मटेरियल डाले जाते हैं, आपका कोक, लाइमस्टोन और आपका आयरन की ओर। उसके बाद हॉट एयर जो होती है ब्लास्ट जो होती है आपकी प्रोवाइड करी जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है, आपको पता हॉट एयर मैंने बताया आपको स्टोव से प्रोवाइड करते हैं, और तो कोक फॉर्म होता है, कोक जो कितने फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और रिएक्शन कितने होता है कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड में। स्लैग क्या होता है, स्लैग आपको पता होगा, जो स्लैग मतलब जो बाकी चीजें बसती है आयरन से अलग होने के बाद वो स्लैग होता है, और मेटल इसमें मोल्ड में मतलब सीधे आपको मोल्डिंग में चला जाता है, इट इज नाउ पिग आयरन रेडी फॉर द आयरन टू मेक स्टील मेकिंग, मतलब फिर क्या होता है आपका पिग आयरन बन जाता है, स्लैग अलग हो जाता है उससे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लास्ट फर्नेस का बेसिक डायग्राम, देखिए ब्लास्ट फर्नेस का बेसिक डायग्राम मैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए वो मैंने बताया था ना कि जाते हैं, फिर लाइमस्टोन, कोक और ये इन तीनों चीज़ों को मिला के आयरन और को मिलाने के बाद इसमें डाला जाता है, डालने के बाद इसके कुछ टेम्परेचर जोन्स होते हैं, और यहाँ से आपकी गर्म हॉट एयर यहाँ से जा रही होती है, एक तरफ आपका स्लैग इकट्ठा हो जाता है और एक तरफ आपका
आयरन, जैसे यहाँ पे इधर आयरन इकट्ठा हो गया यहाँ पे स्लैग, और बाकी हॉट एयर जो होती है आपकी उससे प्रोवाइड करी जाती है, जहाँ से मैंने आपको बताया था स्टोव वगैरह लगे होते हैं, तो उसे हॉट एयर आती है और ये आयरन को मेल्ट करती रहती है, और आयरन जो पिघले फॉर्म में यहाँ पे नीचे आता रहता है। ये तो एक बेसिक डायग्राम है, और देखिए ब्लास्ट फर्नेस का एक बेसिक और भी डायग्राम देख सकते हैं, एयर सप्लाई करने के लिए गर्म एयर इस तरीके से सप्लाई करते हैं कि अंदर पिघलता रहता है आयरन, ठीक है, यहाँ से एयर सप्लाई करी जाती है गर्म। तो ये एक बेसिक डायग्राम, और ब्लास्ट फर्नेस पे क्या होता है, मतलब रिडक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड का इनटू आयरन, मतलब आयरन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये कर सकते हैं कि ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देता है, ये हॉट मेटल वगैरह बना देता है जो आपको मेन चाहिए होता है पिग आयरन। और ब्लास्ट फर्नेस इज ह्यूज स्टील स्लाइम रिफ्लेक्टिव ब्रिक, मतलब ये ब्लास्ट फर्नेस में बहुत मतलब मोटी मोटी ब्रिक वगैरह भी लगी जाती है चारों तरफ, है ना, आपको रिफ्लेक्टिवनेस चाहिए, हाई टेम्परेचर यहाँ पे इतना जनरेट हो रहा है तो ब्रिक तो चाहिए चाहिए, मतलब तो दिक्कत हो जाएगी। तो आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन आर द पुट इन द टॉप, मैं तीन बताया, आयरन और प्लस आपका कोक और प्लस लाइमस्टोन, तीन जो होता है इसके अंदर डाला जाता है भट्टी के अंदर। और बाकी देखते हैं, व्हाई डज आयरन हैव टू एक्सट्रैक्टेड ब्लास्ट फर्नेस, मतलब व्हाई डज द आयरन हैव टू एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट, कैसे मतलब क्यों एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द ब्लास्ट फर्नेस बिकॉज इट कैन बी डिस्प्लेस बाय कार्बन, क्योंकि कार्बन से क्या होता है डिस्प्लेस होता है। दिस इज मोर इफिशियंट मेथड, देखिए बहुत ज्यादा इफिशियंट मेथड होता है, एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट इज मोर इफेक्टिव, देखिए अगर इलेक्ट्रोलाइट से आयरन को रन करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत होगी और बहुत टाइम टेकन लगेगा, लेकिन ये जो मेथड होता है इससे हम आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये आपको दे रहा है, फिर से देखिए वही डायग्राम है, 400 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्टिंग होती है, पहले बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, फिर पिघलते जाते हैं, लास्ट में एक दिन क्या होता है फिर यहाँ पे मेल्टेड आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, चार 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, हॉट एयर में जाती रहती है 800 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ टेम्परेचर जनरेट होने लगता है, 1400 के आसपास तो फिर तो मेल्टिंग हो जाती है, फिर पूरा स्लैग बन जाता है एक जगह, और यहाँ से प्योर मोल्टन आयरन, क्योंकि आपको पता है जो आयरन होती है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे बैठ जाता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है इसलिए वो ऊपर रहता है, तो इसलिए क्या होता है आपको यहाँ से आप देख सकते हैं मोल्टन आयरन जो होता है इधर से इकट्ठा हो जाता है, मतलब होल से निकाल लेते हैं स्लैग को इधर से। तो इस तरीके से एक बेसिक डायग्राम है। अब देखिए सेवरल रिएक्शन टेक प्लेस बिफोर द आयरन इन फाइनली प्रोडक्ट, तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है, देखिए ऑक्सीजन रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है, आपका मतलब लाइमस्टोन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और CO बनती है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनती है कार्बन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। रिडक्शन प्रोसेस भी देखते हैं, मोनोऑक्साइड रिएक्शन, देखिए काफी सारी रिएक्शन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमेटाइट के साथ रिएक्शन करती है तो आयरन निकल जाता है, फिर CO2 बनती है, तो पूरी प्रोसेस है, CO का सिलिकॉन और ये CSI3 बनती है। Both slag and the iron are drained from the bottom. आपको पता होगा दोनों को बॉटम से निकाल लेते हैं। The slag is mainly used to build road. जो slag जो गंदगी होती है तरीके से कहते हैं उसका काम क्या करते हैं रोड बनाने में यूज कर लेते हैं उन्हें, रोड वोड होती है उन्हें slag आता। द आयरन रिस्ट मोल्टन इन रोड इन टू द मोल्ड और लेफ्ट टू सॉरी बाकी आयरन का जो मतलब होता है उसे जहाँ पे भी जो भी शाइज देना होता है उसमें ओढ़ लेते हैं, जैसे उसे रॉड बनानी वगैरह तो उसके लिए काम आ जाता है। द रेस्ट आयरन यूज टू मेक स्टील, बाकी आयरन का मेन काम होता है स्टील बनाना। अब देखिए अब आया हमारा स्टॉप, आया स्टील मेकिंग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टील कैसे मेक करी जाती है। स्टील मेकिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ द पुटिंग स्टील, मतलब पहले तो आपको पिग आयरन बनाना पड़ेगा उसी के बाद तो स्टील बनाएंगे। तो अब आपका जो स्टेप आ गया स्टील, अब स्टील के बारे में कुछ बता देता हूँ, स्टील होती क्या है। देखिए स्टील और आयरन में स्टील क्या होती है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज अप्रॉक्स समझ लीजिए 2.11% मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा अगर आयरन की परसेंट होगी 2.11 से प्लस तो इसका मतलब वहां पे आपका कास्ट आयरन हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा कास्ट आयरन। तो हमेशा 2.11% से आयरन की परसेंटेज क्या रखी जाती है कम रखी जाती है, और स्टार्ट किससे करी जाती है अप्रॉक्स 0.115 से जो मीडियम लो कार्बन स्टील होती है और लगभग 3.5% तक। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आयरन और स्टील में अंतर क्या है, तो आपको ये चीज कार्बन परसेंटेज से ही आयरन और स्टील में बेसिक अंतर होता है, यदि आपने कभी आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा होगा तो आप लोग को ये चीज पता होगी, ठीक है। अब देखिए आयरन और इट इज द स्टेट इंप्योरिटीज दैट सल्फर एक्सेस कार्बन आर रिमूव फ्रॉम द रॉ आयरन। अब देखिए जो आयरन ओर होती है पता है आपको आयरन ओर के अंदर कार्बन भी होता है सल्फर भी होता है रॉ वैनेडियम ये सारे मटेरियल होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था जो आयरन ओर होती है। तो आप क्या करते हैं आयरन ओर में से देखिए स्टील बनानी है तो आपको कार्बन तो 2.11% तक ही रखना है तो कम रखना है, तो उन सबको क्या करेंगे रिमूव कर देंगे उसमें से, ठीक है। अब देखिए स्टील मेकिंग की कौन कौन सी प्रोसेस होती है उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। स्टील मेकिंग बनाने की कुछ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, देखिए बेसीमर कन्वर्टर प्रोसेस, मतलब बेसीमर प्रोसेस होती है जिसके थ्रू करते हैं, ओपन हार्ट प्रोसेस, बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर प्रोसेस, ठीक है, LDAC कार्डो प्रोसेस, ठीक है, ये काफ़ी सारे जो इंडिया के अंदर प्लांट है उनके अंदर ये सब प्रोसेस यूज होती है जिससे हम स्टील बनाते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। LD प्रोसेस, डुप्लेक्स प्रोसेस भी होती है जो बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेकेंडरी जैसे वैक्यूम ड्रेसिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग, लेड एंड मेटलर्जी, सब इन प्रोसेस का जितनी भी आपको प्रोसेस देखती है इन सबका काम स्टील मेकिंग में होता है, ठीक है, जब आपका स्टील मेकिंग है। अब देखिए स्टील मेकिंग का एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए आयरन की ओर क्या करा, आयरन की ओर को यहाँ पे डाला, ठीक है, ये आयरन की ओर डालने के बाद आपका क्या काम हुआ, देखिए सबसे पहले तो ये आपको लाइमस्टोन और प्लस आपका कोल
और प्लस आपका मतलब इसे इंजेक्ट करा गया, फिर आयरन के साथ मिलाकर भट्टी के अंदर आपको डाला गया, डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। रिडक्शन कोर्स के बाद इसका कहाँ यूज़ करा हमने, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस क्या था, मोल्टन स्टील बन गई आपकी, क्या बन गई, मोल्टन स्टील बन गई। मोल्टन स्टील को क्या करा, अब रिफाइन करना होगा, मतलब स्टील बनने के बाद उसका रिफाइन भी तो करना होगा, साफ भी तो करना होगा। तो रिफाइन करने के बाद क्या हुआ, स्टील को हमने डाला और फिर आपका यहाँ पे देखिए स्टील को कुछ जो मतलब वैसे ही इसको कंटिन्यूस कास्टिंग के लिए देगा, मतलब स्टील बन गई अब यहाँ से आपकी। उसके बाद कास्टिंग में जैसा आपको शेप चाहिए थी वहाँ से आपकी स्टील की जो स्लैब जो भी आपको बनानी, बूम बिलेट वगैरह जो भी बनानी है आप उसने बना लिए। बाकी जो बच गया इसके अंदर उसको दोबारा लिया मिट्टी के अंदर, फिर उसे क्या करा, जो मतलब एक तरीके से रिसाइकिल कर लिया उसको, जो भी स्टील बच गई उसे हम यहाँ से रिसाइकिल भी कर लेते हैं इस तरीके से, इधर डायग्राम आएगा। रिसाइकिल करने के बाद ये प्रोसेस पूरी रिपीट हो गई और आपको ये तो पूरा दिख ही रहा होगा, ये ब्लास्ट फर्नेस है, इससे आपको पिग आयरन बनाना है, ठीक है। इसके थ्रू आपका क्या करेंगे, यहाँ से आपका आयरन जो होगा पिग आयरन यहाँ से सप्लाई कर देंगे, ठीक है, पिग आयरन कास्टिंग हो जाएगी। मतलब कास्टिंग मतलब ये है कि पूरी एक प्रोसेस है, एक एक करके आपको लाइन से बनाना है, नेचुरल गैस वगैरह जो होती है प्लांट से आती है देनी पड़ती है, प्लांट से जो नेचुरल गैसेज होती है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से आपको बताया था मैंने, से जाता है फिर स्टील रिफाइनिंग होती है, रिफाइन भी तो करोगे गंदी स्टील होगी। उसके बाद आपका लास्ट में जो आपको बनानी होती है कंटिन्यूस कास्टिंग, जैसी भी आपको चीज़ें बनानी होती है वैसा बना लेते हैं। बाकी रिसाइकिलिंग भी इसमें टोटल पूरी होती है और यहाँ पे दिख रहा होगा मोल्टन आयरन का यहाँ पे आपका ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बाकी देखते हैं नीचे, अब देखिए इससे प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, रीहीट फर्नेसिंग करी जाती है, प्रोडक्ट आप देख सकते हैं प्लेट वगैरह बनाते हैं, पाइप वगैरह बनाते हैं, हॉट रोल्ड स्टील बन सकती है, पिकल्स बन सकते हैं, मोल्ड बन सकती है, मिल्स बन सकती है, रोल बन सकते हैं, स्टील की प्लेटें भी देखी होंगी अपने, सीमलेस ट्यूब भी बनाए जा सकते हैं। सीमलेस मतलब जिसमें किसी भी तरीके का कोई मतलब टुकड़ा टूटा हुआ नहीं लगा होगा, मतलब पूरा गोल होगा तो रोल एक ही बार में गोल करके बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसकी शीट को दो शीटों को रोल करके जोड़ के और फिर हम बनाए उसी तरीके से। सीमलेस मतलब था जिसमें किसी भी तरीके का ज्वाइंट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम इससे, बार रोड्स बना सकते हैं, सारे देखिए पूरे प्रोडक्ट हैं स्टील बनाने के। अब देखिए बेसेमर प्रोसेस, बेसेमर प्रोसेस होती क्या है एक बार देख लेते हैं आपको। यहाँ देखिए ऊपर देखिए हमेशा स्लैग बनेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर रहता है एयर, यहाँ से नीचे से सप्लाई करते हैं, मोल्ट अंडर होता है, यहाँ से ट्यूबर वगैरह जो है सप्लाई करने वाले होते हैं वो लगे होते हैं। देखिए बेसेमर प्रोसेस कंप्रेस, ये कंप्रेस एयर और ऑक्सीजन इज ब्लोन इन टू द बॉटम, जो कंप्रेस एयर होती है और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं नीचे से भट्टी के नीचे से देते हैं। ये फर्नेस शेप लाइक सीमेंट मिक्सचर कंटेनिंग मोल्टन पिग आयरन, और इसमें क्या होता है पिग आयरन होता है आपका पूरा भरा हुआ, तो क्या होता है एक्सेस कार्बन इन द आयरन बर्न आउट, जो कार्बन ज़्यादा कार्बन होता है वो क्या होता है वो बर्न हो जाता है। आपको पता है कार्बन जैसे 2.811% से नीचे आएगा वैसे आपको स्टील मिलना चालू हो जाएगी। तो देखिए स्लैग फर्नेस इज कंप्लीट डिटलिंग, द प्रोडक्शन ऑफ द स्क्रैप कंज्यूमिंग अप्रॉक्स 8%, जो स्क्रैप होता है इसके अंदर जो होता है कितना 8% होता है। देखिए अब क्या होता है इसमें कंटिन्यू करते हैं, तो ये देखिए क्या है इन दिस प्रोग्राम मोल्टन पिग आयरन इज हैंड इन द बैसल, आपको पता है मोल्टन जो पिग आयरन भट्टी में होता है वो बैसल के अंदर रख देते हैं और उसके बाद क्या था ये कन्वर्टर में जाता है। अब देखिए कोल्ड एयर और ऑक्सीजन एनरिच ब्लास्ट इज फोर्स थ्रू द मेटल, मतलब वो जो कोल्ड एयर होती है और जो ऑक्सीजन होती है एनरिच होती है ब्लास्ट, मतलब एनरिच ब्लास्ट इज फोर्स थ्रू द मेटल, मेटल में ब्लास्ट मतलब एक तरीके से फोर्स कर जाता है मेटल को, इससे द ऑटोजीनियस प्रोसेस नो एक्सटर्नल हीट इज नीडेड, किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोजीनियस प्रोसेस होती है और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में होती है। अब देखिए रिफाइनिंग इज कंप्लीट अबाउट 15 से 20 मिनट लेते हैं इसमें इस प्रोसेस के अंदर, इनटू अकाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग टैपिंग टीमिंग, मतलब ये सारी प्रोसेस होती है भट्टी के अंदर जो चार्जिंग टैपिंग टीमिंग, ये टैप टू टैप टाइम लगभग 30 से 35 मिनट का रिक्वायर्ड होता है। इट वाज ए कैपेबल ऑफ द रिमूविंग फ्रॉम, देखिए इससे क्या होता है सिलिकॉन निकल जाता है, कार्बन निकल जाता है, फॉस्फोरस निकल जाता है, मैग्नीज निकल जाता है और एसिड, बाकी क्या होता है इस बार में एसिडिक प्रोसेस, ये कैसी है कि पूछता है पेपर के अंदर कि बेसेमर में कैसी प्रोसेस होती है एसिडिक प्रोसेस, ठीक है ये याद रखिए एसिडिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ से इम्प्योरिटीज होती है पिगारन की आपकी निकल जाती है, द लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉस्फोरस मोर देन 0.5% बाद एलिमिनेटेड, मतलब जो बहुत बड़ा जो होता है वो बेसिक प्रोसेस से ही फॉस्फोरस जो उसके अंदर बचा हुआ होता है वो निकल जाता है। बाकी देखिए ओपन हार्ट प्रोसेस होती है, ओपन हार्ट प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, देखिए मोल्टन मेटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्लैग इससे अलग कर लिया गया, ठीक है अलग से दिखाई गया, एयर यहाँ से चेक नंबर से एयर सप्लाई करी जाती है, फ्यूल यहाँ पे सप्लाई करा जाता है, यहाँ से क्या होता है सीट जलती है, बन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है, बाकी आपका जो लैडल के थ्रू आपका मेटल इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए इसे ओपन हार्ट ही तो कहते हैं क्योंकि खुली है ना, मिट्टी खुली टाइप की है। अब देखिए इट इज हीटेड बाई द आयदर लिक्विड, या तो इसे लिक्विड से भी हीट कर सकते हैं या फिर आपको मतलब लिक्विड एंड गैस से भी हीट कर सकते हैं जिससे आपकी मर्जी, टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, ठीक है। और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1500 के आसपास 1539 डिग्री सेल्सियस के आसपास आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। टैप टू टैप टाइम 6 से 10 घंटे चलता है ये, आपको मतलब 1 से 6 से 10 घंटे तक चलता है, लॉन्गर टाइम लेता है रिफाइन होने, मतलब ये थोड़ा बेसिमर से मतलब बेकार टाइप की प्रोसेस है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेती है, बेसिमर थोड़ा कम टाइम लेता है और लॉसेज जो होते हैं रेडिएशन में बेसिमर में कम होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्रैप कंजम्पशन, मतलब स्क्रैप जो कंजम्पशन होता है वो 75% होता है।
अब देखिए बेसिक ऑक्सीजन का मतलब ये वाली भी एक प्रोसेस है स्टील बनाने की, देखिए इसे एलडी प्रोसेस भी कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट में यूज होती है। एलडी मतलब होता है लिंट्स एंड डोनावेज कन्वर्टर, ठीक है, लिंट्स एंड डोनावेज कन्वर्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी ये भी याद रखिए, पेपर में पूछ सकता है आपसे एलडी प्रोसेस की फुल फॉर्म क्या होती है, लिंट एंड डोनावेज कन्वर्टर। तो देखिए बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस शोइंग बी ओ एफ वेसल ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ए हीट द प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्रैप कंजम्पशन, इसमें स्क्रैप कंजम्पशन कितना होता है 25%। जैसे कि आपको डायमोल दिख ही रहा होगा यहाँ पे, देखिए स्टील तो नीचे आ जाएगी आपके पिघलने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होगा ऊपर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टील के शैल होंगे, रिफ्लेक्टिव होगी, यहाँ पे कार होगा उसी हो के बबल भी बनने होंगे जो ऊपर बाद में निकल जाएंगे, मोल्टन स्लैग होगा जो गंदगी ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, वाटर कूल्ड ऑक्सीजन लेडल होगा इसमें, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही होगी आपकी। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों जो है आपका जो मेन आयरन जो पिग आयरन होगा उससे क्या होगा दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी, जो आपका पिग आयरन से स्लैग भी अलग हो जाएगा और आपका मोल्टन स्टील भी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं एलडी प्रोसेस, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है आपको पता होना चाहिए काफ़ी प्लांट्स में। अब देखिए बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में क्या होता है, देखिए स्क्रैप होता है, ये देखिए आपको स्क्रैप दिख रहा होगा गंदगी टाइप का होता है, और हॉट मेटल चार्जेस जो होते हैं आपकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेटल चार्जेस पूरा। तो उसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन ब्लोइंग करी जाती है उसकी, ये पूरी मतलब एक प्रोसेस है कि बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में ब्लोइंग करने के बाद क्या होता है टैप आउट ट्रांसफर, उसके बाद क्या करते हैं इसे ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, मतलब जो मेटल बनता है उसे उसमें ट्रांसफर कर देते हैं लेडल मशीन पर चलते। तो इसमें क्या होता है चार्जिंग ऑफ द स्क्रैप पिग आयरन ब्लोइंग टैपिंग, इसकी पूरी स्टेप देखिए लाइन से आप देख लेंगे, कुछ इसमें इतना खास नहीं है, आपको समझ में आने लगा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस कन्वर्ट आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, मतलब आयरन किससे कन्वर्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस से ही कन्वर्ट करेंगे ना आयरन को, तो 1200 से 60 से 1300 डिग्री इट इज अचीव बाई ब्लोइंग ऑक्सीजन थ्रू द मोल्टन आयरन एंड बी ऑफ वेसल, मतलब क्या करते हैं आयरन को मोल्टन आयरन को बी ऑफ वेसल के थ्रू क्या करते हैं अचीव करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। वेयर इज द कंबाइंड एंड द रिमूव कार्बन इन द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अनवांटेड सिलिकॉन फास्फोरस एंड अदर एलिमेंट आर ड्राइविन ऑफ, मतलब जो अनवांटेड जैसे सिलिकॉन फास्फोरस वगैरह ये सब बाहर हो जाते हैं बाई एडिड फ्लक्स टिपिकली डैम कंबाइंड विद द इम्प्योरिटी रिमूव, जो स्लैक्स होते हैं प्रोटी के कारण वहाँ से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। अब देखिए अल्टरनेटिव नेम्स फॉर दिस प्लांट प्रोसेस आर स्टील कन्वर्टर बीओएस, मतलब था बेसिक स्टील मेकिंग प्लांट, ऑक्सीजन और बीओपी और एलडी प्रोसेस आपको बता दिए, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और यहाँ देख सकते हैं बीओएफ जो होता है बेसिक जो ऑन फॉर प्लांट होता है उसका कहता है विच कैन डिफाइन ए हीट बैच ऑफ द स्टील इज लेस देन 45 मिनट, ये जो प्लांट होता है जो आपकी एलडी प्लांट होता है ये बढ़िया प्लांट होता है इसीलिए इसके बारे में डिटेल में लिखी है, इसमें देखिए 45 मिनट के अंदर पूरी स्टील निकाल देता है, ठीक है। द बी एफ रैपिड ऑपरेशन, बी एफ जो होता है इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत तेज होता है और ये होता है मतलब एडवांटेज है इसका अच्छा फायदा है। और स्क्रैप इज डम्प्ड इनटू द फर्नेस और जो स्क्रैप होता है जो तरीके से स्क्रैप निकलता है क्या होता है डम्प्ड हो जाता है भट्टी के अंदर ही, फॉलोड बाई द हॉट मेटल फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इन लेंस ऑफ द फ्लोड फ्रॉम द थ्रो विद द ब्लोज एट द हाई प्रेशर स्टीम ऑफ द ऑक्सीजन कॉज केमिकल रिएक्शन, जो हाई प्रेशर स्टीम होती है वो क्या करती है ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करती है सेपरेट कर देती है, रिएक्शन से क्या होता है जो गंदगी होती है वो सेपरेट हो जाती है मेटल के अंदर से, वंस यू रिफाइंड लिक्विड स्टेट प्रोवेंट टू द सेपरेट कंटेनर, उसके बाद क्या होता है दोनों को आपस में सेपरेट करने मतलब स्लैग को अलग और मेटल को अलग कर लेते हैं। अब देखिए हाउ आर द मेथड इन्वॉल्व इन द रिस्क इंक्रीजिंग द इंक्लूजन ऑफ द नाइट्रोजन कंटेंट इन स्टील ड्यू टू ऑक्सीजन, द जेट इज सुपरसोनिक हैज ए सेपरेट स्पीड बिटवीन 1.5 to 2.5 dB स्पीड ऑफ द साउंड, मतलब स्पीड देखिए आप कितना जेट की स्पीड कितनी होती है अप्रोक्स, मतलब ऑक्सीजन जेट की 1.5 to 2.5, और आपको पता हो मैक नंबर एक होता है तो वो स्पीड किसके साउंड के बराबर होती है लेकिन उससे भी ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है आपका सल्फर और फास्फोरस लगभग न्यू सल्फर देखिए 40% 50% और 90% इसमें याद होता है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है आपका बाद एगिटेशन प्रोसेस, इससे के थ्रू भी स्टील आपकी मेकिंग करी जाती है देखते हैं। अब देखिए इन दिस प्रोसेस द एडिशनल गैस इज इंट्रोड्यूस थ्रू ऑक्सीजन, मतलब इसमें क्या होता है एडिशनल गैस ऑक्सीजन के थ्रू इंट्रोड्यूस करी जाती है बॉटम पे, और ऑक्सीजन प्लस लाइमस्टोन जो होता है इसके अंदर मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ द कन्वर्टर से उसमें डाला जाता है। बेटर मिक्सिंग ऑफ द स्लैग, मतलब इसमें क्या होता है स्लैग की बेटर मिक्सिंग होती है एक्सेसिव कंबशन को बचाती है, स्मूथर पार्टिसिपल होती है प्रोडक्शन ऑफ लो कार्बन स्टील का हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। एलडीएजी ओल्ड प्रोसेस, ये भी बहुत ओल्ड प्रोसेस ओएलबी प्रोसेस है, लेकिन दिस मॉडिफाइड प्रोसेस नोन एज एलडीएजी प्रोसेस द फास्फोरस इज रिमूव फ्रॉम द टोटल सिस्टम, इस प्रोसेस के अंदर पूरी तौर से फास्फोरस निकल जाता है, ठीक है। एलडीएजी ये भी स्टील बनाने की अलग अलग टाइप की प्लांट में प्रोसेस लगी होती है। अब देखिए इन दिस प्रोसेस वेयर लाइम पाउडर इज इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद ऑक्सीजन थ्रू द लैम्स ऑफ द रिफाइनिंग हाई फास्फोरस, मतलब इसमें करता है हाई फास्फोरस को रिफाइन कर देते हैं आफ्टर पुटिंग द हाई फास्फोरस 1.8% पिग आयरन इनटू द कन्वर्टर फ्रॉम द टू ऑपरेशन द नेसेसरी ऑफ द इनिशियल फास्फोरस कनेक्ट इन टू हॉट मेटल, इनिशियल फास्फोरस क्या होता है हॉट मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैलेडो प्रोसेस, ये भी एक स्टील बनाने की प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो भी हैं 12-13 प्रोसेस उन सबको बता देना ताकि आपको कोई भी प्रोसेस अगर पेपर में मैकेनिकल या मेटलर्जी में भी पूछी जाती है तो आपके काम आएगी, माइनिंग वालों में भी इंपॉर्टेंट है तो ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए हमेशा। अब देखिए कैलेडो प्रोसेस,
इसका मतलब कहते हैं इन दिस पजल हाई फॉस्फोर आयरन अबाउट बी मे बी रिफाइंड फ्रॉम द थर्मल इफिशियंसी. इसे क्या होता है थर्मल इफिशियंसी के थ्रू रिफाइन हो जाता है क्या फॉस्फोरस. इन ब्लोइंग पोजिशन द फर्नेस इज इंक्लाइंड. जब ब्लोइंग पोजिशन होती है, जब ब्लोइंग मतलब क्या होता है ब्लोअर एयर जब आती है तो भट्टी 15 डिग्री सेल्सियस पर इंक्लाइंड रहती है, थोड़ी सी टेढ़ी झुकी रहती है ना. और ऑक्सीजन इज ब्लोन इनटू द फर्नेस एवर बाद सरफेस ऑफ द रिफाइंड हाई फॉस्फोरस मतलब हाई फॉस्फोरस स्टील टू लो सल्फर फॉस्फोरस मतलब ये क्या करता है हाई फॉस्फोरस आयरन को क्या करता है लो में कन्वर्ट करता है सल्फर फॉस्फोरस नाइट्रोजन. अब देखिए इलेक्ट्रिक फर्नेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक फर्नेस की स्टील मेकिंग प्रोसेस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे क्या करें स्टील मेकिंग फर्नेस वेयर स्क्रैप इज जनरली 100% ऑफ द चार्ज. स्क्रैप क्या होता है यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे सप्लाई करेंगे उससे क्या होगा यहाँ पर आपका रिडक्शन चालू हो जाएगा. रिडक्शन चालू होने से क्या होगा जो आपका एक तरीके से टेम्परेचर जनरेशन होगा यहाँ पर जो आप मतलब एक तरीके से आयरन को देंगे आयरन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये देखिए आपका आपका बन गया चाहे ऊपर बन जाएगा स्लैग और नीचे बन जाएगी स्टील. तो ये आपका एक तरीका होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फर्नेस से किस तरीके से बनाना है. देखिए इलेक्ट्रिक अब यहाँ पे देख सकते हैं ना इलेक्ट्रिक मतलब आर्क फर्नेस जो होती है रिफ्लेक्टिव मटेरियल लाइन वेसल विद द रिएक्टेबल कन्वर्ट विद द मतलब लार्ज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर लोअर्ड वंस टू स्क्रैप हैज बीन चार्ज इनटू द फर्नेस फ्लो. ये देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक तरीके से कह सकते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होते हैं ठीक है ये बात भी याद रखना. और ई एफ इज यूजली मतलब 60 to 150 टाइम्स कैपेसिटी पर माइल बट ओकेजनली लॉन्गर हाउएवर दे आर यूजली मच स्मॉलर देन व्यू मतलब ये बहुत छोटी होती है उससे व्यू एफ से व्यू एफ तो बहुत बड़ी मतलब पट्टी है. अरे मेल्टिंग कैसे होती है इसके अंदर ड्यू टू एनर्जी रिलीज बाई आर्किंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड. देखिए मैंने बताया ना कि इसके अंदर आपको मेल्ट कैसे होगा जब आर्क के बीच में स्पार्किंग होगी तो एनर्जी मतलब हीट होगा हीट से क्या होगा यहाँ पे मेल्टिंग हो जाएगी. तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ में लिखी है स्क्रैप से मेल्टिंग होगी इसके अंदर और मच एफर्ट हैज बीन डायरेक्टेड इन मिनिमाइजिंग द टाइम ऑफ स्क्रैप मतलब इसमें क्या होता है स्क्रैप में टाइमिंग मतलब कम लगे टैप टू टैप टाइम इसमें बहुत कम होता है ठीक है सेपरेट करने में ठीक है. और यहाँ देख सकते हैं मॉडिफिकेशन सेकेंडरी मेटलर्जी टू फ्री ऑफ द ई एफ ऑफ द नेक्स्ट चार्ज स्क्रैप प्री हीटिंग ऑक्सीजन इंजेक्शन रेस वाटर मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिड्यूस आयरन मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेटल एफर्ट इसमें कम होता है सेकेंडरी मेटलर्जी की प्रोसेस. और दूसरी बात ये क्या इसमें मतलब प्री हीटिंग मतलब स्क्रैप की प्री हीटिंग हो जाती है एंड ऑक्सीजन इंजेक्शन रेस प्रोडक्टिव इससे क्या होता है ऑक्सीजन जो होता है मतलब इसमें ऑक्सीजन इंजेक्शन और रेस प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. अब देखिए फर्नेस ये देखिए इलेक्ट्रोड लगाऊंगा मैंने बताया इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोड से क्या होता है यहाँ पे आपका कह सकते हैं स्पार्किंग होती है. स्पार्किंग से क्या होता है यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो जनरेट हो जाता है. फर्नेस में आपको चार्ज करना होता है मतलब जो भी चार्जिंग आपका मटेरियल है उसे आपको देना ही पड़ेगा. चार्जिंग करने के बाद यहाँ पे क्या होता है टैपिंग सोल्ड होते हैं इसके थ्रू आपका देखिए रिफ्लेक्टिव लाइनिंग होती है ब्रिक वगैरह होती है ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जनरेट हो तो कोई दिक्कत ना है. ये भी आपका मोल्टन स्लैग स्टील इकट्ठी हो जाती है ऊपर आपका स्लैग जो होता है गंदगी जो होती है वो आपकी इकट्ठी होने लगती है वाली देखिए. तो ये चीज़ को क्या कर लेते हैं हम इस चीज़ को अलग कर लेते हैं स्लैग को अलग कर लेते हैं इसे अलग करते हैं बाकी टिटलिंग मैकेनिज्म भी होती है इसके अंदर आपको देख सकता होगा यहाँ पे ठीक है. और बाकी इसमें देख सकते हैं टिटलिंग डायरेक्शन यहाँ पे देखिए टिटलिंग है यहाँ पे देखिए भट्टी वगैरह जो भी इसमें जो बनी हुई है यहाँ पे देख सकती है भट्टी से. बाकी इसमें क्या है इलेक्ट्रोड का बस यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट कुछ है नहीं इसमें मतलब इलेक्ट्रोड से आपको गर्म करके दोनों चीज़ों को अलग कर लेते हैं रिडक्शन हो जाता है मेल्टिंग होती है रिफाइनिंग भी हो जाती है डीस्लैगिंग भी होती है टैपिंग फर्नेस और टर्न ठीक है ये चीज़ होती है. अब देखिए क्या एओडी एओडी का मतलब क्या होता है एओडी स्टैंड फॉर द आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोनेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म याद रखिए आर्गन ऑक्सीजन और डीकार्बोनेशन ये प्रोसेस ऑफ फर्दर रिफाइनमेंट मतलब ये भी रिफाइनमेंट की प्रोसेस होती है मतलब कार्बन को अलग करने की रिडक्शन करने की जो आयरन और होती है उससे कार्बन की. अब देखिए मेन स्टील इज इनिशियली प्रोड्यूस बाई द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बिफोर बींग ट्रांसफर टू द सेपरेट लैटर मतलब इलेक्ट्रिक आर्क सेपरेट लैटर से पहले उसे क्या करते हैं आप एक तरीके से इलेक्ट्रिक आर्क में उसे जो फर्नेस होती है भट्टी होती है इलेक्ट्रिक आर्क में उसे हमें देना पड़ता है. और इससे क्या होता है कि सेपरेट हो जाता है रिफाइनिंग हो जाती है और प्रेशर इंटेलेक्चुअल कंटेंट रिक्वायर्ड की प्रोसेस नोन एज सेकेंडरी मेटलर्जी एंड सेकेंड रिफाइनिंग मतलब क्या होती है सेकेंड मेटलर्जी कहलाती है मतलब दूसरी बार इसी चीज़ को जब दोबारा करते हैं तो आपको क्या होता है मोस्ट स्टेनलेस स्टील के केस में इसका यूज कराया जाता है कि इलेक्ट्रिक आर्क में डाला जाता है ठीक है. द अमाउंट ऑफ द कार्बन इन स्टेनलेस स्टील मस्ट बी लोअर. कार्बन स्टील जो होता है आपको पता होगा बहुत कम होता है कार्बन स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन ये स्टेनलेस स्टील जो होती है वो अप्रॉक्स मीडियम कार्बन स्टील के आसपास में आती है 0.8% तक ही कार्बन होता है. और देखिए लोअर स्टील वेयर द इलेक्ट्रिक फर्नेस आर कन्वेंशनल मीन्स ऑफ मेल्टिंग रिफाइनिंग स्टेनलेस स्टील. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको इलेक्ट्रिक मतलब आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वेल्डिंग का यूज करना है तो वहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगी जैसे बर्तन वगैरह आपके बनते हैं आप देखना जो बर्तन होते हैं हैंडल होते हैं वो सब स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं. अब देखिए मोल्टन यहाँ देखिए मोल्टन अनफाइन स्टील इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द आर्गन ईएफ मतलब सेपरेट वेसल ए मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड ऑक्सीजन इज ब्लोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल थ्रू मेल्टेड स्टील मतलब क्या होता है मेल्टेड स्टील की तरह होता है ये अलग हो जाता है इससे आपका. और क्लीनिंग एजेंट आर एडेड टू द वेसल जो सफाई करने वाले एजेंट होते हैं वो क्या करे जाते हैं आपके वेसल के अंदर डाले जाते हैं उससे क्या होता है एलिमिनेट जो गंदगी होती है उस भट्टी से आपकी अलग हो जाती है. वाइल
द ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन इन द अनडिफाइंड स्टेट ऑफ द रिडक्ट कार्बन लेवल, उससे क्या होता है कार्बन लेवल का, कार्बन का जो लेवल होता है उससे कम हो जाता है। देखिए कार्बन का लेवल ही कम करना है क्योंकि आपको स्टेनलेस स्टील बनानी है, तो उसके लिए आपको 0.8% तक की कार्बन रखना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए एफिनिटी ऑफ द कार्बन फ्रॉम ऑक्सीजन दिस फैसिलिटी द रिमूवल ऑफ कार्बन, इससे क्या होता है कार्बन का रिमूवल उससे हो जाता है। अब देखिए सेकेंडरी स्टील, अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्टील तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अब यहाँ देखते हैं सेकेंडरी स्टील, सेकेंडरी स्टील होती क्या है। अब देखिए फोर्जिंग ग्रेड इग्नोट फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन नाउ रिक्वायर्ड ए क्लोज कंट्रोल ओवर द एलॉय कंपोजिशन इंक्लूजन ऑफ द गैस कंटेंट, तो क्या करता है फोर्जिंग ग्रेड जो इग्नोट क्रिटिकल एप्लीकेशन नाउ रिक्वायर्ड ए क्लोज कंट्रोल ओवर द एलॉय कंपोजिशन, मतलब एलॉय कंपोजिशन का एक क्लोज कंट्रोल होता है गैस कंटेंट के साथ। अब यहाँ देखते हैं कार्बन कंटेंट सम नाउ ग्रेड और द फ्लैट प्रोडक्ट हैव बीन ब्राउट डाउन टू द लेवल व्हिच कैन नॉट बी इकोनॉमिकली अचीव इन प्राइमरी स्टील लेवल, मतलब जो कि हमें प्राइमरी, जैसे मान लीजिए शुरू में हमने जो अभी आपको प्रोसेस बताई उसमें जो चीज़ अचीव नहीं हो पाती उसके लिए हम सेकेंडरी प्रोसेस करते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब देखिए ऑल द डेवलपमेंट हैव बीन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द होल रेंज ऑफ द स्टील रिफाइनिंग प्रोसेस, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टील मेकिंग, मतलब बाकी जो भी ग्रोथ करते हैं स्टील के अंदर, एकदम बेस्ट स्टील तो आपको इन प्रोसेस से नहीं मिलेगी, तो उसके बाद आपको सेकेंडरी स्टील भी बनानी पड़ेगी, तो उसी के लिए आपको क्या करना होता है रिफाइनिंग करनी होती है, डीगेसिंग करनी होती है, अलाइंग एलिमेंट मिलाने होते हैं जो भी, जैसे कि आपको उसमें सल्फर मिलाना है या फिर आपको फॉस्फोरस मिलाना है, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो भी मिलाना है मिला सकते हैं, और टेम्परेचर एडजस्टमेंट वगैरह करना होता है। अब देखिए मॉडर्न स्टील मेकिंग इज देयरफॉर कैरीड इनटू टू स्टेज, जो मॉडर्न स्टील मेकिंग होती है पहले देखिए पहले क्या करेंगे BOF के थ्रू आपको क्या करेंगे बनाएंगे एंड EAF इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू स्टील को बना लेंगे और प्रोडक्शन ऑफ द रॉ स्टील, जो रॉ स्टील आपके पास होगी उसको बनाएंगे विच इज मेन फर्दर इनटू रिफाइंड, अब इसे आपको रिफाइन भी तो बनना होगा ना, बन तो गई इन दोनों भट्टी से आपकी स्टील, उसको रिफाइन करेंगे उसके बाद उसको उसमें मतलब क्या करेंगे डी ऑक्सीडेशन डी सल्फराइजेशन और डी फास्फोराइजेशन वगैरह करेंगे। अब देखिए वैक्यूम डिगेसिंग प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस होती है, देखिए वैक्यूम डिगेसिंग विडी इज यूज फॉर फॉलोइंग स्टील मेकिंग एंड, मतलब इसमें क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर का क्या करते हैं इसमें रिड्यूस करते हैं कम करते हैं, ठीक है वैक्यूम डिगेसिंग में याद रखिए इसका जो है प्रोसेस टेक प्लेस अंडर वैक्यूम एंड लैडल, ये देखिए वैक्यूम के अंदर इसमें किसी भी तरीके की प्रोसेस में एयर नहीं होती बीच में, ठीक है ये वैक्यूम के अंदर प्रोसेस होती है हीटेड एंड स्टेप बाय एन इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल ऑक्सीजन एंटर्स फ्रॉम द टॉप, जो ऑक्सीजन होती है ऊपर से आती है बाकी इसको क्या होता है इन सबको आपको निकालना होता है। अब देखिए वाइन डीलिंग विद हाई क्रोमियम स्टील, जब हाई क्रोमियम स्टील से डील करते हैं मतलब क्रोमियम ज्यादा होती है और आपको एक बार बता दो क्रोमियम से क्या होता है आपका, क्रोमियम से आपका क्रोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर स्टील के अंदर क्रोमियम है बहुत बढ़िया तो स्टील में जंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो देखिए वीडी अलाउ टू वेरी लो कार्बन कंटेंट ऑफ द अचीव विदाउट हैवी क्रोमियम लॉसेस ऑफ द मेल्ट, ठीक है। वैक्यूम डिगेजिंग हैज बिकम वाइड स्प्रेड डिमांड फॉर द हायर क्वालिटी स्टील, मतलब हायर क्वालिटी स्टील के लिए वैक्यूम डिगेजिंग करी जाती है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में बढ़िया बढ़िया जगह यूज करी जाती है तो वैक्यूम डिगेजिंग की जाती है। इट अलाउ स्टील प्रोड्यूस लाइक बियरिंग वीडी स्टील इम्प्रूव फटीग लाइफ, इससे क्या होता है इससे फटीग लाइफ बढ़ जाती है, फ्लैट पर वेरी लो कार्बन स्टील का भी इससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, स्टील वेरी मतलब सूटेड डिमांडिंग प्रोसेस में इसका काफ़ी वैक्यूम डिगेजिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोसेस, ये सब सेकेंडरी है मतलब आपको स्टील बनते इसके बाद की प्रोसेस है ये। अब देखिए इलेक्ट्रो स्लैग रीमेल्टिंग, इलेक्ट्रो स्लैग का रीमेल्टिंग का क्या है, देखिए पूरा इलेक्ट्रो स्लैग होता है इलेक्ट्रो प्लस स्लैग का रीमेल्टिंग दोबारा मेल्ट क्यों करते हैं, देखिए अब देखिए द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन इज ड्रिप्ड इनटू द कूल स्लैग, मतलब जो स्लैग है उसमें आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रोड को डाल दिया गया, ठीक है एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द स्लैग और इलेक्ट्रिक करंट को स्लैग के थ्रू क्या करा गया पासेस, तो उससे क्या होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड द इग्नोट बीइंग फॉर्म फ्रॉम द सुपर हीट एंड द स्लैग सो दैट ड्रॉप ऑफ द मेटल मेल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा जो मेटल होगा वो यहाँ से पिघलने लगेगा। अब देखिए क्या होगा दे ट्रैवल थ्रू द स्लैग बॉटम, तो ये क्या होगा स्लैग बॉटम के थ्रू निकलने लगेगा और वाटर कूल करके सप्लाई को हम सॉलिडिफाई कर देंगे, द स्लैग कूल इज कैरी बाय द अपवर्ड द इग्नेट फॉर्म, जो स्लैग होता है इग्नेट फॉर्म के रूप में होता है, द न्यू इग्नेट ऑफ द रिफाइंड मटेरियल बिल्ड अप स्लोली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड, तो बॉटम ऑफ द मोल्ड, तो इसका काम क्या होता है इलेक्ट्रो स्लैग डिमेल्टिंग वगैरह कर सकते हैं इसे। अब देखिए कास्टिंग इग्नेट्स, ये देखिए कास्टिंग इग्नेट आपको दिख रहा होगा, देखिए बड़े बड़े इसमें सप्लाई करा जा रहा है, इग्नेट्स बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े दिख रही है, ये बड़े बड़े टैंक आपको दिख रहा होंगे। अब देखिए इग्नेट्स होता क्या है, वो इनगोट्स क्या होता है, इनगोट्स का मतलब होता है वाइल स्टील इज मोल्डिंग, मतलब जब स्टील मतलब मोल्डिंग होती है पिघली हुई होती है कंडीशन में इट्स प्योर इनटू मोल्ड, मोल्ड के अंदर सांचे के अंदर डाल दी जाती है, द मोल्डर में भी स्क्वायर रेक्टेंगल जिस सांचे में भी मतलब स्टील होती है स्क्वायर मतलब जो भी होती है तो उसे हम इग्नेट मतलब इनगोट कहते हैं, मतलब जिस भी सांचे में करके बड़े बड़े स्टील के बना दिए जाते हैं चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे राउंड में हो किसी में, उनका वेट 100 lbs से 40 tons तक यानी 40,000 kilo तक भी हो सकता है। और देखिए डाइग्नेट विल बी रूम फ्रॉम द मोल्ड एंड हीटेड, उसके बाद क्या होते हैं रिमूव कर लेते हैं यूनिफॉर्म बनाने के लिए, तो जो भी आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना उससे स्टील निकाल के उसमें से थोड़ा इग्नेट निकाल के बाकी आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है बना लेते हैं। हाउ विल वाइल द मोल्डन मेटल कूल्स
ऑन सल्फाइड गैसेज ओवर द कैन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ स्टील द लीड टू टिपिकल स्किल्ड स्टील। किल्ड स्टील कौन सी स्टील होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब ऐसी ऑक्सीजन ऐसी स्टील जिसके अंदर से ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म कर देती है, तो मरी स्टील कहलाती है, किल्ड स्टील इसलिए से नाम दिया गया है। सेमी किल्ड स्टील जिसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन होती है, रिमेंड स्टील जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन होती है ना के बराबर। किल्ड सेमी किल्ड और रिमेंड स्टील देखिए, द फुली डीऑक्सीडाइज स्टील मतलब जिसके अंदर किसी भी तरीके की ऑक्सीजन नहीं होती, डीऑक्सीडाइज स्टील नो पोरोसिटी इसके अंदर की तरह, ठीक है। और दिस इज एक्वायर्ड बाय द यूजिंग एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिलाते हैं डीऑक्सीडाइज टू द, इसे क्या करते हैं डीऑक्सीडाइज कर देता है इंप्योरिटीज लाइक राइज द मिक्स विद द स्लैग। तो क्या होता है इंप्योरिटीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है किल्ड स्टील से पूछता है कि क्या नहीं होता, तो किल्ड स्टील के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, डीऑक्सीडाइज स्टील होती है। इसमें क्या होता है इट किल्ड स्टील बिकॉज वैन इज द मेटल प्योर नो बबल्स, इसके अंदर कोई भी बबल नहीं बनते क्योंकि ये स्टील में होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। बिकॉज इट इज सो सॉलिड नो नॉट पोरस, पोरस नहीं होती मतलब किसी तरीके से गड्ढे वड्ढे छेद नहीं होते। द इग्निट श्रिंक कंसिडरली वैन इट कूल, मतलब तो इससे क्या होता है इसी कारण जो होता है ठंडा होने पर जो इग्निट होता है मतलब वो क्या होता है श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब कॉन्टैक्ट कर जाता है साइज में ठंडा होने पर हो जाता है। अब देखिए सेमी किल्ड स्टील क्या होती है, सेमी किल्ड स्टील प्रैक्टिकली सेमी किल्ड स्टील जो होती है तो देखिए सेमी किल्ड स्टील क्या होती है, दिस इज प्रैक्टिकल द सेम एज किल्ड स्टील, किल्ड स्टील सेम होती है विद मतलब माइनर डिफरेंसेस होती है, इट इज ए पार्शियली मतलब सब पूरी तरीके से ऑक्सीजन रिमूव नहीं कर जाती इसीलिए इसका नाम है सेमी, ठीक है, और सेम किल्ड की तरह होती है अपना ध्यान रखिए और पोरस होती है। तो इससे पूछ लिया जाता है कि किल्ड स्टील स्टील वगैरह क्या होती है, देखिए सेमी किल्ड स्टील डज नॉट श्रिंक एज मच सो कूल, मतलब ये एक तो श्रिंक नहीं करती, ठंडा होने पर आपने देखा होगा कोई भी चीज़ सुखड़ जाती है लेकिन ये सुखड़ती भी नहीं है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। अब देखिए किल्ड और सेमी की स्टील और रिमेंड स्टील में भाई लास्ट था रिमेंड स्टील, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एडिंग एलिमेंट एल्यूमिनियम टू मेटल, मेटल रिमूव अनवांटेड गैसेस, इसमें क्या होता है एल्यूमिनियम को मिला देते हैं और अनवांटेड गैसेस को निकाल देते हैं, दिस गैसेस फ्रॉम द ब्लू होल्स, और ये गैसेस क्या होती है छोटे छोटे होल्स से मेटल्स के अंदर से बाहर निकल जाती है और लिटिल नो पाइपिंग एंड इन लिटिल नो पाइपिंग द हाउएवर द इंप्योरिटीज ऑफ द टैंक कलेक्ट टू द सेंटर ऑफ द इग्निट, और जो इंप्योरिटीज होती है जो इग्निट आपको बताया ना जो मेटल उड़ेली जाती है लैडल के थ्रू और इसमें इकट्ठी जाती है उससे जो भी शेप देते हैं लैडल तक इंप्योरिटी बीचों बीच इकट्ठी हो जाती है इस टाइप की स्टील के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंटिन्यूस कास्टिंग, अब देखिए पूरी स्टील तो बना ली आपने आयरन के बाद स्टील भी बना ली, अब थोड़ा कास्टिंग पर भी ध्यान दे देते हैं। तो देखिए कास्टिंग में आपका क्या है कि देखिए मेटल जो आपकी है इसमें मेटल डाली गई लैडल की आपको प्लेट बना दी है, इस तरीके से पूरी शीट बन जाएगी आपकी, देखिए इस टाइप की शीट बन गई, तो इस तरीके की शीट आपका पूरा मोल्ड फ्लक्स से बना सकते हैं। ये आपका क्या होता है कॉस्टिंग मतलब लगातार चल रही है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको रुकी हुई है, कंटिन्यूस क्यों लगाई क्योंकि इसमें देखिए बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी और जितना काटना हो उतना बीच बीच में काटते चले जाएंगे ना, कंटिन्यूस रुकेगी नहीं कभी। अब देखिए इसमें क्या होता है गोस्ट डायरेक्टली टू फर्नेस टंडिश फर्नेस होती है, मेटल सॉलिडिफाइड टू मोल्ड द मेटल डिसेंड्स अबाउट 1 सेकंड, मतलब द सॉलिड मेटल गोस थ्रू पाइप पिंच रोल, पिंच रोल होते हैं इसमें छोटे छोटे पिंच रोल होते हैं छोटा सा रोल होता है यहाँ पे, तो और क्या होता है दैट डिटरमाइन द फाइनल फॉर्म, ठीक है। और बेनिफिट्स ऑफ आपका ये कंटिन्यूस कास्टिंग का क्या होता है, देखिए कंटिन्यूस कास्टिंग डिग्री लगातार देखिए शीट बनती चली जा रही है बनती चली, तो कंटिन्यूस कास्टिंग का फायदा ये होता है कि कॉस्ट जो होती है कम जाती है फाइनल प्रोडक्ट की, और इसमें देखिए लगातार काम हो रहा है तो आपको यहाँ पे रुक रुक के भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो थी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी एक मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी स्टील